हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर भोली देखने जा रहे हैं, जिसके ऑथर K.A. अब्बास हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम सुलेखा था, पर सब बचपन से उसे भोली कहते थे। वो नुमेदार रामलाल की बेटी थी। जब वो 10 महीने की थी तो वो गिर गई और उसका ब्रेन थोड़ा डैमेज हो गया। तब वो बाकी बच्चों जितनी समझदार नहीं हो पाई। बचपन में वो काफ़ी अच्छी दिखती थी, पर जब वो 2 साल की हुई तो उसकी पूरी बॉडी पर स्मॉल पॉक्स हो गए और हर जगह काले धब्बे पड़ गए। वो बोलना भी लेट सीखी और जब बोलना सीखी तब भी हकलाने लगी। सब उसके बोलने का मजाक उड़ाते थे तो वो कम बोलने लगी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। भोली सबसे छोटी थी। वो सब खाते पीते घर के लोग थे। रामलाल के सारे लड़के पढ़ने के लिए सिटी चले गए थे और सारी लड़कियों की शादी हो गई थी। भोली उन लोगों से कमजोर थी तो रामलाल को चिंता लगी रहती थी कि इसकी शादी कैसे होगी। उनके गाँव में एक कन्या विद्यालय खुला था जिसका उद्घाटन करने तहसीलदार आए थे। आज तहसीलदार स्कूल का उद्घाटन करने आए। उन्होंने कहा कि मैं इस गांव का नंबेदार हूँ तो मुझे अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ाने भेजना होगा। तुम पागल हो क्या? अगर हमारी बेटियां स्कूल जाने लगी तो उनसे शादी कौन करेगा? मैं बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम भोली को स्कूल भेजेंगे। इसकी शादी तो होगी नहीं क्योंकि ये इतनी खराब दिखती है और इसमें अकल भी नहीं है। टीचर ही संभाले इसको। रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात ना माने। इधर आओ, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। ना, 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 नहीं नहीं। मसला क्या है तुम्हारा? मैं तो बस तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। अरे इसको थोड़े ढंग के कपड़े पहना दो, वरना लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे। हमेशा उसे बेकार और गंदे कपड़े ही पहनने को मिलते थे। आज पहली बार उसको नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाए और तेल लगाकर बाल भी बनाए। तब उसको लगा कि मुझे कोई अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। रामलाल भोली को स्कूल ले गया और हेडमिस्ट्रेस के पास छोड़ दिया। फिर उन्होंने उसको कमरे में ले जाकर एक कोने में बैठा दिया। भोली को नहीं पता था स्कूल क्या होता है, पर इतनी लड़कियों को देखकर उसको लगा कि उसे नई दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। टीचर क्लास में कुछ कह रही थी पर भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दीवार पर लगी तस्वीरें देख रही थी। दीवार पर लगी तस्वीरों में ब्राउन घोड़ा था, बिल्कुल वैसा जैसा तहसीलदार के पास है। एक ब्लैक बकरी थी जैसे उनके पड़ोसी के पास थी। एक हरा पैरट था जैसा उसने आम के बगीचे में देखा था और एक गाय उनके लक्ष्मी जैसी। तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? भो, 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 भो। भोली रोने लगी और अपना सर झुकाकर कोने में बैठ गई और उसने बाकी लड़कियों की तरफ भी नहीं देखा जो ऊपर हंस रही थी। जब स्कूल की छुट्टी हुई तब भी वो कोने में बैठकर रो रही थी। भोली उठ जाओ, चलो अब अपना नाम बताओ। भ भ भ भो भो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो अब अपना पूरा नाम बताओ। भ भ भो भो भोली। अरे वाह, बहुत अच्छे। अपने दिल से सारा डर निकाल दो, फिर तुम भी बाकियों के जैसे बोलने लग जाओगी। सच्ची? हाँ हाँ, बहुत आसानी से। तुम्हें बस रोज स्कूल आना है। तुम आओगी ना? हाँ। नहीं नहीं, जोर से बोलो। हाँ। ये बुक तुम ले जाओ, तुम 1 महीने में इसको पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, उसके बाद और बड़ी, फिर तुम पर कोई हंस नहीं पाएगा। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम भी बिना स्टैमर किए बोल पाओगी, समझी? हाँ। अब घर जाओ और कल जल्दी आना। वो बुक रंगीन चित्रों से भरी थी।
कुत्ता, बिल्ली, बकरी, पैरट, टाइगर और लक्ष्मी जैसी काऊ और फोटो के साथ काले अक्षर में सबके नाम लिखे थे। भोली को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसको एक नई उम्मीद दिखी। ऐसे ही कई साल निकल गए। वो विलेज अब एक कस्बा बन गया। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल बन गया। सिनेमा और कॉटन मिल भी खुल गई वहाँ। उनके वहाँ रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन भी रुकने लगी। एक रात खाने के बाद, अरे बोलो तो क्या फिर मैं बिशांबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ? हाँ बिल्कुल, भोली बहुत लकी है जो उसको इतना अमीर दूल्हा मिला। बड़ी दुकान, खुद का घर, बैंक में हजारों पैसे और वो दहेज भी नहीं मांग रहा। तुम्हारी बात तो सही है, पर वो जवान नहीं है, मेरी उम्र का है और लंगड़ा कर चलता है। उसकी पहली शादी से जो बच्चे हैं ना, वो भी बड़े हो चुके हैं। तो क्या हुआ, 45 हो या 50, मैं इनकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो खुशकिस्मत हैं कि वह दूसरे गांव का है और उसको भोले के दाग धब्बों और काम अक्कल के बारे में नहीं पता। अगर हमने ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया तो भोले की शादी जिंदगी भर नहीं होगी। पर मुझे आश्चर्य है इस पे भोली क्या बोलेगी। वो बेअक्कल क्या कहेगी, वो तो गुंगी गाय जैसी है। आंगन की दूसरी तरफ लेटकर भोली अपने माँ बाप की बातें सुन रही थी। बिशांबर नाथ एक किराने का व्यापारी था। वो बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आया। रामलाल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी ग्रैंड होगी। भोली की बड़ी बहन भी उससे जल रही थी उसकी शादी देखकर। दुल्हन को लेकर आओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। बिशांबर ने दुल्हन का चेहरा देखा तो वो रुक गया। उसने जैसे ही उसके चेहरे के दाग देखे, उसने शादी करने से मना कर दिया। ऐसा मत करो, भले ही 2000 रुपए ले लो। नहीं, पूरे 5000, वरना अपनी बेटी अपने पास रखो। जरा तो समझो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मेरा चेहरा गांव वालों के सामने कैसे दिखाऊंगा। फिर 5000 लेकर आओ। पिताजी, अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। भोली, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं, तुम हमारा नाम खराब करना चाहती हो। सिर्फ आपकी इज्जत के खातिर ही मैं इस ओल्ड मैन से शादी कर रही थी, पर मैं इस लालची, मतलबी, नीच, कायर आदमी से शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। कितनी बेशरम लड़की है ये, हमें तो लगा ये सीधी सादी गूंगी गाय है। हाँ आंटी, आपने सही कहा, आपने सोचा मैं गूंगी गाय हूँ तो आप मुझे ऐसे बेदिल जानवर को दे दोगे, पर अब तो गूंगी गाय भी बोलने लगी। और सुनना है आपको, अब तुम्हारा क्या, अब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे। आप चिंता मत करो पिताजी, मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा करूँगी। जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई करी उसी में पढ़ाऊंगी। क्यों मैडम जी, सही कहा ना मैंने। टीचर जी की आंखों में डीप सेटिस्फेक्शन था जो किसी भी आर्टिस्ट को फील होता है उसके मास्टरपीस के कंप्लीट होने पर।